देवा या फिर सलार, कौन मचाएगा धूम? जी माय नेम इज जवेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड रिएक्शन। भाई जैसे कि तुमने देख ही लिया है कि सलार की कितनी ज्यादा हाइप है, और लेकिन अब सलार टीम ये कह रही है कि ट्रेलर वन तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, मूवी तो अभी बाकी है। आई मीन ट्रेलर टू इनका आने वाला है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेलर वन में जो था वो कैरेक्टर देवा था, जो कि बाद में इन्होंने बताया भी, और सलार अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। यानी कि सलार यार हम उसके लिए कितना वो करें और वो अभी तक दिखाया नहीं गया है। ट्रेलर टू जो कि 15 को या फिर 16 को आनी है, उसमें सलार फॉर द फर्स्ट टाइम दिखाया जाएगा कि कैसा है। और आई थिंक के ट्रेलर टू जो होगा वो बहुत एक्शन पैक्ड होगा, और उसमें सलार और पृथ्वीराज के बहुत सारे सीन्स होंगे। अच्छा, अब अभी एक गाना भी आया है, और वो जो है वो बहुत दोस्ती पर है कि किस तरह से प्रभास और पृथ्वीराज की जो है वो दोस्ती है, और यानी कि ना एक बॉन्डिंग है। ये कोई वॉयलेंस, कोई एक्शन कुछ नहीं है उस गाने में, वो बहुत इजी सा, बहुत यू नो, एक फ्रेंडशिप पे एक गाना बनाया गया है, जो कि एक थीम नहीं है मूवी की, लेकिन वो गाना सुन के यार वो इतनी उसकी मेलेडी अच्छी है, और तुम लोगों ने भी सुना होगा। अच्छा, अब बात यह है कि देवा और सलार दोनों कैरेक्टर जो है वो प्रभास कर रहे हैं, तो क्या इसमें क्या कनेक्शन होगा? बाप बेटा होगा या फिर बाप बेटे का बदला लेगा, किस तरह से? और बहुत सारे लोग जो है वो बाहुबली से इसको कनेक्ट करें कि यार ये स्टोरी तो थोड़ी सी देखी देखी लग रही है कि बाहुबली की स्टोरी जैसी तो नहीं है। भाई प्रभास मूवी कर रहा है और उस लेवल की है, आई नो है, लेकिन जो नीर है, नीर प्रशांत ने पहले ही कह दिया है कि ये जो स्टोरी बेस्ड मूवी है, यानी कि ना इसकी स्टोरी अच्छी होगी, इसी वजह से इन्होंने अपना जो एक जो प्री रिलीज इवेंट होता है वो नहीं करें, क्योंकि वो जो अपनी स्टोरी है ना वो रिवील नहीं करना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे। इवन ट्रेलर वन में भी इतना मतलब सीन्स आए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टोरी ज़रा सी भी पता नहीं लगी कि यार स्टोरी होगी क्या इसमें। इवन अब ट्रेलर टू भी आएगा, उसमें भी एक्शन दिखाया जाएगा, डायलॉग्स होंगे, लेकिन स्टोरी नहीं पता लगेगी कि स्टोरी है का, क्योंकि नील प्रशांत का यही है उनका, जिस जिसने सिनेमा देखा हुआ है कि उनकी जो एक स्टोरी टेलिंग होती है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके होती है। इतनी अच्छी वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, उनको पता होता है कि स्टोरी को लेके किस तरह से चलना है और ऑडियंस के सामने किस तरह से पेश करना है। और भाई दो जो दोस्त हैं पृथ्वीराज और सलार, वो किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे और किस तरह से उनके बीच एक यू नो एक जंग छिड़ेगी, वो सारी सलार में यानी कि दिखाया जाएगा। अब ओवरसीज बहुत ज़्यादा एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को वीडियो में बताया भी था कि डंकी की कितनी हुई है और सलार की, लेकिन सलार की जो हाइप है वो इतनी हाइप अभी तक किसी मूवी की नहीं हुई थी, यानी जितनी भी बॉलीवुड की आई हैं। प्रभास की जो बाहुबली थी उसकी आई थी और अब ये, लेकिन अभी आगे एक ना हेयर स्टाइल था सलार का, प्रभास का मतलब नेम भी अब हो रहे हैं, प्रभास का एक हेयर स्टाइल था, तो लोग कह रहे थे कि ये कैसा लुक है, ये कैसा लुक है, तो वो लुक जो था वो सलार के लिए नहीं था, वो कल की उनकी एक नई मूवी है जिसमें कह रहे हैं दीपिका पाडुकोण आ रही है, वो लुक उसके लिए था। तो यानी मज़ा तो आने वाला है, और अभी से जो एडवांस बुकिंग हो चुकी है, सिनेमा मतलब भरने वाले हैं, ये तो होने वाला है। बताओ कि तुम लोगों ने एडवांस बुकिंग कर ली है या अभी करनी है, या क्या प्लान है तुम लोगों का, डंकी देखने का या फिर सलार देखने का? कमेंट्स कर सकते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।